हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। लेक्चर टू है मेरा थ्रेड इन जावा टॉपिक के ऊपर। लेक्चर वन में मैंने थ्रेड के ऊपर इंट्रोडक्शन दे रखा है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट जाके उसे देख लें। ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ, जहाँ पर मैंने थ्रेड के बारे में आप लोगों को स्टोरी बता बता के समझाया है। क्लियर? वहाँ पर एक्चुअली मैंने समझाया क्या था कि आप लोगों को ये चीज़ें मैंने बताई थी, लाइक थ्रेड क्या है, थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस क्यों कहते हैं, उसे उसके एग्जांपल्स, प्रोसेस, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें उनको मैंने चित्र बनाकर आप लोगों को समझाया था। आप ही लोगों के लिए मैंने ये मेहनत से चित्र बनाया था। और यहाँ पर मैंने एक स्टोरी सुनाई थी मिठाई वाले बंदे की, जिसका नाम है बल्लू। उसको मोहन और रोहन, रोहित को कैसे वो अलॉट कर रहा है प्लेसेस, इसको मैंने बहुत बढ़िया से समझाया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, क्योंकि मेरे लेक्चर का जो डिज़ाइनिंग है ना, वो ऐसा है कि लेक्चर वन से लेक्चर टू कनेक्टेड होगा, टू से थ्री कनेक्टेड होगा, तो आप एक भी मिस करेंगे तो, अगर आप बिगनर है तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ आपको कोई चीज़ समझ में आने वाला है। इसलिए पहले आप लेक्चर वन देखें, फिर लेक्चर टू आप स्टार्ट करें देखना। क्लियर? तो लेक्चर टू का आज का क्या एजेंडा है, आज हम लोग क्या पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम लोग ये पढ़ेंगे, देखिए मैंने तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थ्रेड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भैया ये थ्रेड जो है, इसका क्या ज़रूरत है, क्यों पढ़ें हम इसको, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, ये तो आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया होगा, ये मैंने आप यहाँ पे लिख दिया है, मैं बताऊँगा इसको अभी आगे। टू इम्प्लीमेंट पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है? ये पैरेलल प्रोसेसिंग, अगर आप लोग हॉलीवुड की मूवीज़ देखते होंगे तो बहुत सारा ये सब चीज़ दिखाता है, पैरेलल यूनिवर्स, एक ही साथ सब कुछ हर जगह हो रहा है, जो अभी यहाँ हो रहा है वही कहीं और पे भी हो रहा होगा, कुछ इस तरीके का। तो देखिए, पैरेलल प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप थ्रेड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही अपने में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे काम बहुत तेज़ी से हो सकता है। और पैरेलल प्रोसेसिंग का बहुत दूर दूर जाके मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, आप अपना मोबाइल यूज़ करते होंगे, उसमें गेम खेलते होंगे, जैसे कि पबजी टाइप गेम कोई अगर खेल रहे हैं तो उसमें देखिए सारे कितने सारे टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक पैरेलल प्रोसेसिंग का एग्जांपल हो गया, जिसको कि थ्रेड जैसे कॉन्सेप्ट से इम्प्लीमेंट किया जाता है। और थ्रेडिंग के थ्रू क्या है ना कि हम लोग अपने प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीपीयू का मैक्सिमम टाइम जो है वो यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो हम लोग आगे धीरे धीरे इस लेक्चर में, जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आती जाएंगी। तो फिलहाल इसको नोट डाउन कर लें, एग्जाम्स के समय में ये काम आ सकता है एज अ थ्योरी। ओके, अभी फिलहाल मैं थ्योरी में हूँ, अभी मैंने प्रैक्टिकली कुछ समझाया नहीं अभी तक आप लोगों को। तो अब आता है क्वेश्चन ये कि मान लीजिए अगर आप एक जावा प्रोग्रामर हैं और अभी तक आप सिर्फ क्लास लिखना जानते हैं, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है, तो मैं अपनी जल्दी हो सके उसके लिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल सा एक प्रोग्राम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, देखिए मेरा पढ़ाने का जो तरीका एकदम डिफरेंट है, ठीक है ना, आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा कोई पढ़ाने वाला। मैं अपना ही एक सीट बना के रखा हूँ सिलेबस, और इस तरीके के तरीके से मैंने बनाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट लिटरली क्लियर हो। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ हेलो वर्ल्ड, ओके, तो आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। अभी तक आप सिर्फ इसको लिखते आए हैं और रन करा कर आउटपुट देखे हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए हैं, बट कभी आपने ये सोचा है कि जो आप ये प्रोग्राम रन कराते हैं ये कैसे रन करता है एग्जैक्टली? ओके, तो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर तो मैं यहाँ पे बनाने नहीं जा रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक ही हो गया पूरा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मुझे। बट हाँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। जब आप ये प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है ना, तो पहले तो प्रोग्राम कंपाइल होता है फिर एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन के वक्त जो कंपाइल्ड प्रोग्राम होता है, यानी कि जो क्लास फाइल होता है, वो मेमोरी में लोड हो जाता है, क्लियर, और उसके बाद वो रन करता है, उसको इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है। तो ये सारा काम होता कैसे है, देखिए आपके इस क्लास के अंदर एक मेथड है, उस मेथड का नाम है मेन मेथड। ओके, तो मैं आता हूँ इधर में एक बार ड्राइंग में। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा क्लास डेमो, और इसके अंदर आपका है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं पूरा प्रोग्राम यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो आप जब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं ना, तो कंप्यूटर के मेमोरी में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, देखिए बैकग्राउंड में ये हो रहा है, ये आपका कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है मान लीजिए, और ये ओएस है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक चीज़ को मैनेज कर रहा है, ऐसा मान के चलिए अभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, क्योंकि ये फादर है सारे एप्लीकेशन का, ये बाप है।
तो यहीं पर कहीं JRE भी है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉड्यूल्स भी हैं। इसके अंदर आपका JDK है जो कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर JVM है, जावा वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर क्लास लोडर है, ठीक है, जो क्लास को लोड करता है मेमोरी में, इसके अंदर थ्रेड शेड्यूलर है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये थ्रेड को मैन शेड्यूल करता है कि कब कौन रन करेगा, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, तो ये खुद में एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा होता है जावा के प्रोग्राम के लिए, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को ये मैनेज कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जावा प्रोग्राम को रन कराने का ये जिम्मा दे देता है JRE को, बोलता है JRE जाओ और जी लो अपनी ज़िंदगी और रन कराओ प्रोग्राम अपने हिसाब से। तो JRE ये सारा काम करता है, इसके पास सारे टूल्स हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो जब आपका ये प्रोग्राम जब कंप्यूटर के मेमोरी में रन करता है ना, तो मेमोरी में ऐसे मान लीजिए एक मेमोरी है, यहाँ पे मैं एक कॉल स्टैक बनाते रहूँ, तो इस तरीके से ना एक कॉल स्टैक बन जाता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, वही स्ट्रक्चर दे रहा हूँ जो कि आपको थ्रेड को समझने के लिए लगेगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे हीप एरिया, आपका लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आपको वो सब में अभी नहीं जाना, एकदम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप, क्लियर। तो ये जो है ना, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो एक कॉल स्टैक बनता है, जब भी आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो एक कॉल स्टैक बन जाता है। बेसिकली वो जो कॉल स्टैक होता है वो एक थ्रेड होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, वो एक थ्रेड होता है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि अभी तक जो आप प्रोग्राम रन कराते हैं वो खुद एक थ्रेड होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन कर लीजिए। इवन यू जब आप रन कराते हैं कोई भी प्रोग्राम, तो वो थ्रेड होता है, और उस थ्रेड का नाम क्या होता है, मेन थ्रेड, जो कि मैंने ऊपर में लिखा था कुछ देर पहले, जब आप स्क्रीन देखे होंगे उसका नाम क्या होता है, मेन थ्रेड। आप ये पता भी कर सकते हैं कि भाई आपका जो प्रोग्राम रन कर रहा है जिस थ्रेड के अंदर, उस थ्रेड का क्या नाम है, और उसको जानने के लिए आपको छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये जो पर्टिकुलर थ्रेड है ना, ये थ्रेड थ्रेड है क्या, एक मेमोरी लोकेशन जहाँ पे कि कुछ रन कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं। थ्रेड क्या है, एक मेमोरी लोकेशन जहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई मेथड रन कर रहा है, उसका लिखा हुआ कोड रन कर रहा है। तो को इंसिडेंटली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेन थ्रेड होता है उसका नाम ही होता है मेन थ्रेड, क्लियर। तो मैं आता हूँ एक बार इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसे रन कराऊँ तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मेरे दिमाग में ये आइडिया आता है कि भाई यार कैसे मैं जानूँ कि ये जो मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है इसके थ्रेड का नाम क्या है। बहुत ही सिंपल है, थ्रेड क्लास खुद प्रोवाइड करता है एक इनबिल्ट मेथड। तो आपको करना क्या है, बस उसको कॉल कर देना, थ्रेड करेंट थ्रेड, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आप रन कराते हैं तो आपको देखिए क्या मिलेगा, थ्रेड ये देखिए, और यहाँ पर आया है मेन, ये थ्रेड का नाम है, ये प्रायोरिटी है थ्रेड की, प्रायोरिटी आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी, और ये है थ्रेड ग्रुप, क्लियर। तो ये सारे इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर थ्रेड के बारे में मिला हमें, कौन से थ्रेड के बारे में, ये वाला थ्रेड, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे मैंने ड्राइंग बनाया है, ये वाला थ्रेड का सारा इंफॉर्मेशन मिला। अगर आपको इसका सिर्फ नाम जानना है, सिर्फ नेम, ओनली नेम, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करेंट थ्रेड के साथ एक और मेथड कॉल करना होगा, गेट नेम। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो गेट नेम क्या होता है, ये किसी भी करेंट थ्रेड को जो अभी मेमोरी में जो पर्टिकुलर प्रोसेस रन कर रहा है जिस मेमोरी लोकेशन में, वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है उसका नाम क्या है, उस कॉल स्टैक का नाम क्या है, उसका नाम है मेन। तो अगर सिर्फ नेम जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं गेट नेम मेथड को, वो आपको उस करेंट थ्रेड का देखिए नाम बता देगा। आप इस करेंट थ्रेड को चाहे तो कुछ देर के लिए सुला सकते हैं, जैसे ये जो रन कर रहा है ना, ये मेन थ्रेड के अंदर क्या है, लूप रन कर रहा है, मेन जो थ्रेड है, सॉरी मेन जो थ्रेड है ये वाला पर्टिकुलर कॉल स्टैक, इसके अंदर क्या प्रोग्राम रन कर रहा है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये प्रोग्राम रन कर रहा है खाली एक लाइन और कुछ भी नहीं। तो अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से अभी के लिए फिलहाल हटा देता हूँ, सपोज करिए, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लूप चलाऊंगा अभी। तो मैं लूप में लूप को 5 टाइम्स चलाऊंगा, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस। अगर मैं जाऊँ और इसके अंदर डिस्प्ले कर दूँ लाइक थ्रेड, क्लियर, तो आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा ना, ये थ्रेड है अभी, मैंने ये अब 5 बार स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, देखिए
कटाक से एक आउटपुट मिल गया आपको, मेन थ्रेड रन कर रहा है और ये 5 बार मुझे आउटपुट मिला थ्रेड थ्रेड थ्रेड। तो क्या आप इस जो अभी फिलहाल ये सिंगल थ्रेड है, आप इसको मल्टी थ्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे करेंगे? थ्रेड क्लास के हेल्प से। थ्रेड क्लास क्या है? थ्रेड क्लास एक इनबिल्ट क्लास है जो किसी जावा के डेवलपर ने, जो उनकी टीम है, टीम ने मिलके बनाया है। किसके लिए बनाया है? हम लोगों के लिए बनाया है, ताकि हम लोग उसके हेल्प से, ये जो कॉल स्टैक आप देख रहे हैं ना, ये कॉल स्टैक जो कि एक सिंगल है अभी फिलहाल, कॉल स्टैक मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, और थ्रेड का नाम क्या है? मेन। ठीक है ना? तो ये तो बाय डिफॉल्ट बना है, आपने तो इसे नहीं क्रिएट किया। क्या आप अपना खुद का कॉल स्टैक, न्यू कॉल स्टैक जनरेट कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। किसके हेल्प से? थ्रेड के हेल्प से। और हर थ्रेड का अपना एक नाम दे सकते हैं, खुद से मैन्युअली आप सेट कर सकते हैं। तो ये रहेगा मेन थ्रेड, और इसी मेन थ्रेड से ये बहुत सारे अगर थ्रेड निकल जाएं और आपका हर थ्रेड के अंदर एक टास्क रन करे, T1, T2, T3, यानी कि इसके अंदर एक अलग मेथड रन करे, इसके अंदर एक अलग मेथड, इसके अंदर एक अलग मेथड रन करे, तो ये मल्टी थ्रेडिंग जैसा कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये जो कॉल स्टैक है ना, न्यू कॉल स्टैक, ये कैसे आप बना पाएंगे? ये आप बना सकते हैं थ्रेड क्लास के हेल्प से। तो वही मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला जो है इन्फॉर्मेशन कि थ्रेड को बनाने के दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज टू क्रिएट थ्रेड इन जावा। पहला है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो नेक्स्ट क्लास में थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस के बारे में, उनके मेथड्स के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे, और थ्रेड क्लास क्यों यूज़ किया जाता है और उसका नॉर्मल क्लास से क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस प्लेलिस्ट के साथ, देखते रहिए मेरे सारे लेक्चर, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट चैनल को अगर आप अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।